जय श्री कृष्णा। पुष्टि श्रृंगार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नव संवत्सर के सेवा क्रम और उसका भाव उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नव संवत्सर यानी भारतीय नव वर्ष, जो इस साल 13 अप्रैल को है। माना जाता है कि इसी दिन सूर्योदय के समय ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की स्थापना की थी, और इसी दिन से चैत्री नवरात्रि का प्रारंभ भी होता है। और नव संवत्सर के दिन से जरी के वस्त्र ठाकुर जी को धराना बंद हो जाएंगे, और मंगला के समय प्रभु को जो दत्तू धराया जाता था वो भी अब नहीं धराया जाएगा, और उसके बदले में प्रभु को मंगला में उपरना धराए जाएंगे। और इस दिन की सेवा स्वामिनी जी के भाव से होती है। वस्त्र की बात करते हैं तो इस दिन प्रभु को पीले छापे की रुपेली जरी की किनारी से सुसज्जित सूथन एवं लाल छापे की चोली एवं खुले बंद के चाकदार वाघा धराए जाते हैं, और थाड़े वस्त्र मेघ श्याम रंग के दरियाई वस्त्र के धराए जाते हैं। श्रृंगार की बात करते हैं। इस दिन प्रभु को चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें मिलमा श्रृंगार धराए, यानी कि हीरे पन्ने मोती माणिक के सर्व आभरण, पर उसमें हीरे के श्रृंगार की प्रधानता रखें। श्रीमस्तक के ऊपर लाल छापे की कुल्हे, उसके ऊपर सिरपेच, पान, टीका, दोहरा त्रवल, 5 जोड़ की मोरपंख चंद्रिका, और बाईं ओर शीशफूल धराए, और एक हीरे की चोटी धराए। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए। चैत्री गुलाब के पुष्पों से बनी सुंदर वनमाला धराई जाती है, और श्री हस्त में पुष्प छड़ी धराई जाती है। इस दिन राजभोग में श्री जी में नियम से छज्जे वाली चैत्री गुलाब के पुष्पों से निर्मित दोहरी मंडली धराई जाती है। श्रृंगार समय धराई गई पिछवाई ग्वाल भोग के बाद बड़ी कर ली जाती है, और चैत्री गुलाब से निर्मित मंडली में प्रभु विराजित होते हैं, और इस मंडली में गेंद एवं चौगन दोहरी रखी जाती है, और मनोरथ के रूप में विविध सामग्रियां प्रभु को आरोगई जाती है। और राजभोग से संध्या आरती के दर्शन तक प्रभु मंडली में ही विराजित होते हैं, और संध्या आरती के दर्शन पश्चात मंडली बड़ी कर दी जाती है। कई घरों में इस दिन प्रभु को मीठे नीम के रस में मिश्री और इलायची पधरा कर धराया जाता है, पर नाथद्वारा में यानी प्रधान घर में ये भोग नहीं धराया जाता। और भोग में इस दिन विशेष रूप से मनोहर के लड्डू प्रभु को आरोगाए जाते हैं, और आप यथाशक्ति उत्सव की सामग्री प्रभु को धरा सकते हो। तो ये था नव संवत्सर का सेवा क्रम और उसकी भावना। आप सभी को नूतन भारतीय वर्ष एवं नव संवत्सर की मंगल बधाई, और आशा करते हैं कि आप अपने प्रभु के साथ खूब लाड़ लड़ाएंगे। और याद रखिएगा कि नव संवत्सर से जुड़ी कोई भी सेवा सामग्री, जैसे कि श्रृंगार एवं छापे के वस्त्र, वो हमारे पास मिल जाएंगे। साइट एवं व्हाट्सएप से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। दोनों की ही लिंक हमने डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट बॉक्स में दे दी है। आप उन पर क्लिक करें और आप सीधा उस साइट पर या हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। चौखंड।